hello student welcome back to the another video so in this video i will teach you about the france become a constitutional monarchy so in the previous video i had taught you that uh, for 4 august 1789 the people of a french french people were deciding they were just m drafting the committee in the tennis court right so in this video, I will teach you about the France become a constitutional monarchy means what. So uh, you all are know that the people of uh, France they were decided we will make a constitution for what they want to limit the power of a king because everyone know that the king have uh, all the powers for judiciary, for executive, and for the legislative. So the people of uh, France, they want to uh, decentral the power of a king, so they were decided. So uh, then they make a national assembly, right? And they after that they were starting to draft the constitution, right? So let's start. The national assembly completed their the constitutional, right? They had completed the national assembly completed draft. टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में वो क्या कर लिया कम्प्लीटली उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीट कर लिया मेन ऑब्जेक्ट क्या था उनका जो मेन पर्पज़ क्या था द मेन पर्पज़ वॉज डिस डी सेंट्रलाइज करना था उसके किंग के पावर्स को लिमिट करना था जिससे क्या हो कि उनकी उनकी जो मोनार्की सिस्टम थी आई है टॉट यू अबाउट डेट कि मोनार्की सिस्टम था वहाँ पे सो so, सारी पावर किंग के पास रहती थी सो so, वो चाहते थे कि पावर्स जितने भी हैं किंग के पास उसे हम डिसेंट्रलाइज़ कर दें उसे हम डिवाइड कर दें और उसे हम लिमिट कर दें सो so, जब किंग को किंग पहले ये चीज़ें अप्रूव नहीं कर रहा था वो नहीं मान रहा था बट आफ्टर डैट जब उसने ये अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखा कि आउट आउड़, दे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में देखा कि थर्ड स्टेज के पर्सन क्या करते हैं वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड कर देते हैं और वो वहाँ से जा करके के टेनिस कोर्ट में जा करके के वो अपना ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते हैं नेशनल असम्बली बनाते हैं उससे वो ड्राफ्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और जब उससे पता चला कि अब जब किंग को एहसास होने लगा धीरे धीरे कि जो हमारी जो पीपल हैं यहाँ के लोग जो हैं अब वो तैयार हो गए हैं कि अगेंस्ट हो गए हैं पूरी तरीके से किंग के तो उसे लगने लगा कि अब हमारी कुर्सी ख़तरे में है राइट right? उसे लगा कि अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सो so, उसने क्या किया कि चलो ठीक है उसने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि उसने लास्ट में क्या किया था उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे सो so, उसने एक्सेप्ट कर लिया था सो so, अब इसमें इसका मेन पर्पस क्या है इस वीडियो का इस टॉपिक uh, का कि उसमें जो राजा की जो पावर है उससे डिसेंट्रलाइज़ कर दिया गया उसकी सारी पावर्स को लिमिट कर दिया गया ताकि जो पावर्स है राजा के पास वो उसका ज़्यादा मिस ना कर पाए और डिसेंट्रलाइज़ किसने करने के लिए थॉट किस फिलोसोफर ने दी थी आई है टॉट इन द प्रीवियस वीडियो सो इफ़ यू नो द आंसर यू विल विल कॉमेंट मी इन विलो राइट सो तुम लोग कॉमेंट करोगे एंड ओके सो डिसेंट्रलाइज करना जिससे क्या होता था कि एक पा एक पर्सन के हाथ में क्या हो पावर ना हो और इसका मेन पर्पस क्या था कि जो लेजिस्लेचर है जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है ये जो तीनों पावर्स हैं वो फ्री हो जाए किससे मतलब ये सारे पावर्स एक अनदर पर्सन के हाथ में आ जाए ना कि किंग के हाथ में राइट सो आर द सिंबल यू कैन सी द जुडिशरी ये एक मैप ये एक ग्राफ uh, uh, है एक फिगर uh, है विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड आई विल टीच यू अबाउट ऑल द थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस दिस पिक्चर राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर द जुडिशरी इज मिन जज एग्जीक्यूटिव द किंग यहाँ पे देखते रहिए लेजिस्चर नेशनल असेंबली नेशनल असम्बली में उस टाइम कहते थे सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव मेम्बर्स थे जो नेशनल असम्बली में हुआ करते थे राइट सो चलिए सो लेट स्टार्ट सो जब वो उसको राजा को राजा के पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया तीन पार्ट्स में किया गया था आई है टॉर्ट यू

एक होते थे आपके एक्टिव सिटीजन राइट और दूसरे होते थे पैसिव सिटीजन एक्टिव सिटीजन क्या एक्टिव सिटीजन क्या होते थे दीज टाइप्स ऑफ द सिटीजन हुर स्पेशली इसमें मैन की बात की गई है आदमियों की बात की गई इसमें वुमेन की बात नहीं की गई जो मैन जो थ्री डेज का वेजेस मतलब थ्री डेज का जो लेबर चार्ज है जो मेहनत करते हैं वो जो थ्री दिन की जो उनकी इनकम है उसको टैक्स के फॉर्म में उसे देते हैं किंग को ठीक है उसके बाद वो और दूसरा कंडीशन क्या था कि वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स के अबव होने चाहिए एक्टिव सिटीजन्स क्या होते थे जो ट्वेंटी फाइव ईयर्स के अबव होते हैं राइट ट्वेंटी फाइव ईयर्स के अबव जो मैन हैं ठीक है थीके? और जो थ्री डेज़ का वेज थ्री डेज़ का जो चार्ज है जो उनका इनकम है वो किंग को जब देते हैं तो दीज टाइप्स ऑफ द पीपल वर एलिजिबल फॉर द वोट राइट वो वोट के लिए एलिजिबल होते इन्हें बोलते थे एक्टिव सिटीजन ये ट्वेंटी एट मिलियंस पॉपुलेशन में फोर मिलियंस क्या थे ये एक्टिव सिटीजन थे जो वोट देने का राइट था उसमें से भी उसमें से भी जो फिफ्टी थाउजेंड मैन हैं ठीक है जो इलेक्टर्स बनते थे ये कैसे बनते थे जो ये तो थ्री डेज का वेज हो गया एक लिमिट थी देर इज़ द लिमिट देर वॉर द लिमिट वहाँ पे एक लिमिट थी कि हाँ कम से कम थ्री डेज का वेस्ट चाहिए ये टैक्स आप पेड करेंगे तो आप क्या कर सकते वोटिंग राइट है आप वोट दे सकते हैं बट उसमें से भी क्या थे जो और भी अच्छा टैक्स देते थे जो ज़्यादा टैक्स देता था उसमें से वो क्या बनते थे वो बनते थे इलेक्टर्स यू कैन सी ये रो कहाँ जा रही ऊपर जा रही तो क्या बनते थे इलेक्टर्स बनते थे और उस पचास हज़ार में से भी जो और अच्छे मतलब जो और ज़्यादा देते थे टैक्सेस और इनमें से जो पचास हजार लोगों में से फिफ्टी थाउजेंड लोगों में से जो इलेक्ट हो जाते थे वो क्या बनते थे नेशनल असम्बली के मेंबर बनते थे और इसमें कितने मेंबर्स होते थे सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव मम्बर्स होते थे तो ये एक्टिव सिटिजन की बात हो गई लेट्स गो फॉर द पैसिव सिटीजन पैसिव सिटीजन में कोई वोटिंग राइट right नहीं थी इसमें लगभग थ्री मिलियंस मैन थे ठीक है वुमेन थे चिल्ड्रेन थे और यूथ क्या था ट्वेंटी फाइव के बिलो था ठीक है इसमें वुमेन को राइट नहीं दिया गया था इसमें चिल्ड्रेन को राइट नहीं था राइट और जो ट्वेंटी फाइव ईयर्स के बिलो थे वो मैन को भी क्या था राइट नहीं था ये है आपके पैसिव सिटीजन जिनकी मतलब आप कह सकते हैं जो थ्री मिलियन जो पीपल थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी दे आर जस्ट लाइक अ पीपल वो बस एक पीपल थे ओके वो उनका कोई भी राइट नहीं था वो वोट नहीं कर सकते थे ओके सो so, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या था कि जो वोटिंग राइट right थी या जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल था उस टाइम जो किंग जो सोच रहा था उसका सारा फोकस मैन की तरफ था वोमेन की तरफ नहीं था राइट right? सो so, हमारा लेजिस्लेचर कंप्लीट हो जाता है तो लेजिस्लेचर के पास क्या होता था इस तरीके से नेशनल असेंबली फॉर्म होती थी अब नेशनल असेंबली दो चीज़ों को कंट्रोल करती थी फर्स्ट यू कैन सी य वो किसे कंट्रोल करती थी किंग को और मिनिस्टर्स को किंग को और मिनिस्टर्स को कौन कंट्रोल करता था नेशनल असेंबली किंग को कैसे कंट्रोल करता था क्योंकि किंग के पास क्या थी वीटो पावर थी राइट वीटो पावर क्या होता है जैसे असेंबली है जैसे असेंबली है सो जैसा मैंने बताया था कि नेशनल असेंबली क्या करती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस असेंबली बनाती थी नेशनल असेंबली पर उसे एग्जीक्यूट कौन करता था किंग करता था मतलब नाम किसका आता था किंग का आता था किंग ने क्या किया ये सारे काम किए किंग के थ्रू हम सारा काम कराते थे तो ये होता था पर किंग के पास भी वीटो पावर था जैसे हम लोग जानते हैं कि वीटो पावर लाइक जैसे वी कैन टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ ब्रिटेन राइट हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं वहाँ पर क्या है मनार्की नहीं है राइट right? वहाँ पे डेमोक्रेसी ही है मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि किंग एंड क्वीन है वहाँ पे किंग एंड क्वीन का क्या है सिस्टम चला आ रहा है बट वहाँ पे पार्लियामेंट भी है पार्लियामेंट की सजेशन पे ही वो डिसीजन लेते हैं ठीक है उस उनको ये सारी बातें माननी ही पड़ेंगी पर होता क्या है कि हमें वहाँ के किंग और क्वीन की भी सहमति चाहिए होती है परमिशन चाहिए होता है तो वो होता है तो जब नेशनल असम्बली कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था तो वो एग्जीक्यूट कराने के लिए किंग को देता था और किंग के पास क्या होते थे वीटो पावर जैसे हमारे यहाँ जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया ब्रिटेन का ठीक है लंडन का तो वीटो पावर के थ्रू क्या होता था कि किंग अगर कुछ चाहे तो थोड़ा बहुत चेंजेस करा सकता है और वो भी पॉसिबल है तो तो उसमें किंग की भी ज़रूरत होती थी सेकंड जो मिनिस्टर्स होते थे जो मिनिस्टर्स होते जो इलेक्ट होकर मिनिस्टर्स बनते थे उनको भी कंट्रोल करना किसका काम था लेजिस्लेचर में नेशनल असम्बली का काम था राइट right? ओके okay. उसके बाद आपके थर्ड परस थर्ड पे आते हैं आपके जुडिशरी अब जुडिशरी में जज बनते थे जज कौन बनते थे यही एक्टिव पीपल जो हैं सिटीजन है यही जाकर क्या बनते थे वोट करते थे और वोट करने के बाद क्या होते थे जज बनते थे और जज क्या करता था वो आपको जजमेंट सुनाता था कोई भी गलत या सही पनिशमेंट देना है नहीं देना है ये सब कौन डिसाइड करता था जज डिसाइड करता था सो वी कैन सी हियर कि जो पहले काम किंग करता था सारे काम किंग करता था जुडिसरी भी उसके हाथ में थी उसके हाथ में एग्जीक्यूटिव भी था उसके हाथ में लेजिस्लेचर भी था मतलब ऑल ओवर द पावर मतलब जितने भी पावर हैं वो किसके पास था एक किंग के पास था बट इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की वजह से उसे डिसेंट्रलाइज़ कर दिया गया उसके पावर को आ, लिमिट कर दिया गया जिसके थ्रू क्या हो गया कि अब उसे अपना व्यू भी देना है तो उसको अपने वीटो पावर का भी यूज करना है और नेशनल असेंबली क्या करेगी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी ये सारी चीज़ें क्या होने लगी यूज़ होने लगी अब मतलब किंग के पास सारी पावर्स नहीं थी लिमिट हो गया अच्छा इससे बेनिफिट क्या हुए इससे बेनिफिट क्या हुए चलिए इससे बेनिफिट ये हुए कि जो कॉन्स्ट सो जो कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन गया और जब डिक्लेयर हुआ सो डिक्लेयर फॉर द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन सो उन्होंने कुछ डिक्ले कुछ डिक्लेयर किया राइट्स रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉर द सिटीजन ऑफ फ्रांस सो फ्रांस के सिटीजन के लिए उन्होंने कुछ रूल्स राइट्स और रेगुलेशन को क्या किया डिक्लेयर किया जिसके अंदर क्या था कुछ राइट्स है जस्ट लाइक राइट टू लाइफ फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ ओपीनियन इक्वालिटी बिफोर लॉ सो इस टाइप से क्या हुआ कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश हुए राइट जो नेचुरल एंड इन लाइनेबल क्या थे राइट्स right थे ये क्या थे नेचुरल क्या थे कि इसमें क्या था जैसे सपोज आप बर्थ होता है ठीक है किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका राइट right है ये कि वो जिंदा रहे राइट उसका लाइफ मिला उसको गॉड ने लाइफ दिया तो ये उसका राइट right है और इन मतलब क्या है इनअलाइबल मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि उससे कोई भी उसका ये जो राइट right है वो छीन नहीं सकता जैसे उसने बॉर्न बा, हुआ वो जन्म लिया तो इसका राइट है कि वो जिंदा रहेगा उसको कोई छीन नहीं सकता राइट तो ये था सो so, इस टाइप से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ राइट्स जो थे वहाँ के फ्रांस के लोगों को मिले थे क्योंकि थर्ड स्टेज क्या थी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी को होती थी तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नेशनल असम्बली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कुछ ऐसे रूल्स और राइट्स जो दिए गए और नाव वी आर वी कैन सी कि कुछ राइट्स ये भी हमारे कंट्री में हैं जैसे राइट टू स्पीच फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ सी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इक्वालिटी फोलो ये सारी चीज़ें हमारे भी हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है राइट right? इसीलिए मैं कह रहा था कि द फ्रेंच रिवल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं से सारे थाट्स यहाँ से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ ओपिनियन जो फ़िलासफर थे उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ वर्ड आया रूल्स नए वर्ड आए राइट्स नए वर्ड आए तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई फ्रांस से रुई दैट्स वाई वी आर इज इन द क्लास नाइन वी आर रीडिंग द फ्रेंच रेवल्यूशन ओके सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर सो आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो सो टेक केयर बाय बाय सो यू कैन रिवाइज विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर सो इट गिविल मोर इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर यू कैन जस्ट रिवाइज योर इन्फॉर्मेशन एंड द रू ऑल थिंग्स पोलिटिकल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेवनटीन नाइन्टी वन सो हियर इस द फ्रांस फ्रांस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से लिखे गए थे डिक्लेयर किए गए थे जो सिटीजन थे वहाँ के राइट सो दैट्स ओके सो आई विल मीट यू इन अदर वीडियो. टेक केयर बाय बाय